वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम अलोक इंडस्ट्री लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो अलोक इंडस्ट्री ने आज देख सकते कि 16.40 पे क्लोजिंग दी है, तकरीबन यहाँ पे 5.50 पैसे अप, 3% अप क्लोजिंग दी है। अलोक इंडस्ट्री यहाँ पे देख सकते कि रिकवरी करता हुआ नजर आ रहा है इस मंथ में। तो तकरीबन तो न्यूज की बात किया तो रिसेंटली कोई खास न्यूज नहीं है अलोक इंडस्ट्री के लिए। आज यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग थी 15.90 थी, आज गैप डाउन से ओपन हुआ था स्टॉक। भाई जैसे ही ओपन हुआ स्टॉक ने प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे ट्रेडिंग करा था रेजिस्टेंस लेके, पर प्रीवियस क्लोजिंग का जैसे ब्रेकआउट दिया तो एक अच्छी तेजी 16 लेवल को ब्रेक करके 16 लेवल के ऊपर ही ट्रेडिंग देखने को मिली थी और एंड ऑफ द डे 16 के ऊपर ही क्लोजिंग दे चुका था हाई के साथ। तो यहाँ पे देख सकते कि तकरीबन स्टॉक की बात की जाए तो मार्केट कैप जो 8,000 करोड़ के ऊपर चला गया है। मार्केट कैप लास्ट 5 डेज की मोमेंटम देखी जाए तो पिछले 5 दिनों में 9% की तेजी देखने को मिले अलोक इंडस्ट्री के अंदर, और मंथ ऑफ जानवरी से मोमेंट देखी जाए तो 36% की गिरावट देखने को मिले। मीन स्टॉक यहाँ पे देख सकती ओवरसोल्ड जोन में है, मीन्स यहाँ पे ओवरब्रॉट नहीं ओवरसोल्ड जोन में है, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए लो लेवल पे है। वॉल्यूम की बात की जाए तो ट्रेडेड वॉल्यूम 38 लाख के ऊपर चले गए हैं आज के दिन। वॉल्यूम के साथ ट्रेडेड वैल्यू जो है 627 लाख की ट्रेडेड वैल्यू देखने को मिली है। मीन्स टोटली अपर सर्किट लोअर सर्किट लेवल्स के ऊपर नजर डाल सकते हो, यहाँ से सिक्योरिटी वाली डिलीवरी पोजीशन के ऊपर नजर डाली जाए तो रिसेंटली डाटा अनअवेलेबल है आज के दिन अलोक इंडस्ट्री के लिए। तो चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे तो देख सकते कि आज मंथली जो प्यूट है वो यहाँ पे आज मंथ चेंज हो गया है, एक तो नए प्यूट लेवल आए हैं। तो मंथली प्यूट देख सकते कि तकरीबन 15.80 है, तो वो लेवल 16 लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव एक्ट हो जाएगी स्टॉक नीचे भी आता है तो आज वैसे ही देखने को मिला, सपोर्ट लेके एक तेजी देखने को मिले। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट अलोक इंडस्ट्रीज के लिए।